हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह के 5 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर होलिका दहन के लिए हम लोग सुबह सुबह सब लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर होली का दहन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह इस तरह से उठकर और होलिका दहन देखना, और उसके बाद इस तरीके से शानो खुशी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। और यहाँ पर शेंकी भी हमारा एंजॉय कर रहा है होलिका दहन, तो आप देख सकते हैं उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। और इसके बाद शुरुआत हुई है होलिका दहन के बाद होली खेलने की। तो और यहाँ पर जब सुबह हुई है, सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट में पूरी और छोले की सब्ज़ी बनी थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। और होली खेलना हम लोगों ने उसके बाद स्टार्ट किया। तो आप देखिए किस तरीके से हम लोग होली खेल रहे हैं सब लोग घर पर। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मायके में हूँ शादी के बाद होली खेलने के लिए, तो अच्छा लग रहा है बहुत। बट हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, वो अपने घर पर है, मैं यहाँ मायके में हूँ। और होली के टाइम पर देखिए कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, गुजिया बनी है, और यहाँ पर जो बेसन की सेव होती है, सेव नमकीन होती है ना, वो बनी है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने घर पर बनाई हैं। तो इस टाइम पर ऐसा होता है ना, तो चिप्स पापड़ तो आपने देखे ही थे कि मैंने बनाए थे, रेसिपी भी डाली थी अपने चैनल में। और यहाँ पर अब बाकी जो चीज़ें बन रही हैं वो आप देख सकते हैं, और ये सेव नमकीन बनकर देखिए किस तरीके से रेडी हो गई हैं। अभी फ़िलहाल मैं इनकी रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी ज़रूर। और इस तरीके से यहाँ पर सेव नमकीन बनकर तैयार हो रही हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने बनाए थे मट्ठी, तो ये मैदे की होती है, और मट्ठी आप जानते ही होंगे चाय के साथ खाने में कितनी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मट्ठियाँ बनकर रेडी हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, बहुत टेस्टी हुई है ये। तो इस त्यौहार पर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो अच्छा लगता है बनाने में भी और खाने में भी। तो इसके बाद दीदी की फ्रेंड्स आई थी, मंजू दीदी, लबू दीदी, और सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो देखिए किस तरीके से इन लोग ने लोगों ने बहुत अच्छे से होली इंजॉय किया। और मैं मायके में हूँ, तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से होली का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया। तो बहुत मज़े किए हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया, बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, और बहुत अच्छा लगा घर पर सब लोग के साथ होली सेलिब्रेट करना। और जो मेरी शादी के बाद की जो भी होली थी जो हस्बैंड के साथ थी, तो ये देख सकते हैं उनके साथ जो मेरी पिक्स हैं, हम लोगों ने जब होली सेलिब्रेट की थी तो उनके साथ वाली पिक्स मैंने इसमें ऐड की हैं, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड की हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे नहीं है साथ में। और यहाँ पर जो हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत मज़े से इन्जॉय की हमने होली, तो आप देख सकते हैं ना कितना मज़ा आया। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ये होली व्लॉग कैसा लगा। Till then, bye bye, take care, thanks for watching.